हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th का मैथ्स की एक क्लास है और जिसको हम अभी एक मिनट के अंदर शुरू करने वाले हैं। मैं जरा कैमरे की सेटिंग देख लेता हूं, उसके बाद एक मिनट बाद हम शुरू करेंगे इसको। क्या है ये? स्टूडेंट्स, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, बस हम लाइव होते हैं अभी एक मिनट के अंदर। थर्टी फाइव स्टूडेंट्स, ग्रेट स्टूडेंट, जल्दी से आए, बस क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। बस ठीक है स्टूडेंट्स, बस शुरू करते हैं अब। इसकी पोजीशन को थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूं तो भी कैसे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। केंद्रीय विद्यालय की ये एक अच्छी इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम घर बैठे ये लाइव सेशन देख पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। कोरोना से बचने का इलाज यही है कि आप घर पर ही रहें और अपने घर पर बैठ कर तैयारी करें। स्टूडेंट्स, आपने अपने बोर्ड के एग्जाम सभी दे दिए हैं और बोर्ड का रिजल्ट्स भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपका, सभी जो बच्चे देख रहे हैं सबका बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और रिजल्ट जब भी आएगा आपको तैयारी आज से शुरू करनी है। एक कदम पहले आज से तैयारी आप शुरू करेंगे तो 11th क्लास में आप जल्दी सिलेबस को खत्म कर पाएंगे, ताकि आप जेई मेंस और एडवांस के लिए तैयार हो पाएंगे। जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, और ये पूरे 2 साल जो स्टूडेंट ढंग से तैयारी करेगा वही जाके क्लियर कर पाएगा। आप सोच के देखिए, 18 लाख से ज्यादा हमारे पास स्कूल्स हैं और हर क्लास के अंदर 3-3 टॉपर्स होते हैं, हर क्लास में 3-3 टॉपर्स होते हैं, और 3-3 टॉपर्स निकल के सब आ रहे हैं तो कितनी बड़ी संख्या में। और ये सारे टॉपर्स जो है, जो 95, 96, 97% मार्क्स लेके आते हैं, 90+ मार्क्स लेने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और सीट्स हमारे पास बहुत कम है। जो इसमें शुरू से तैयारी करेगा, आज से तैयारी शुरू करेगा, वही आ जाएगा। तो आज से तैयारी शुरू कीजिएगा अगर अभी आपने तैयारी नहीं शुरू की है, और जिसने कर दिया है बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक मंच आपका पास ये है, ये सारे वीडियोस ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी हमको दिक्कत आ रही है, हम लोग बिल्कुल नए हैं, फेसबुक लाइव, फेसबुक चलाना भी नहीं आता है हमको, फेसबुक लाइव हम लोग कर रहे हैं और नए नए रोज सीख रहे हैं, तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन ये क्वालिटी धीरे धीरे सुधरेगी। और अगर अच्छी नहीं दिखाई दे रही है तो अच्छी वीडियो आपको चाहिए तो इसी का ऑफलाइन वर्जन भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पर KVS RO दिल्ली लाइव का एक यूट्यूब चैनल है जिसको आपने सब्सक्राइब किया है सभी लोगों ने, उस पर आप जाएंगे तो उसकी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जाके अगर उसको देखिएगा इस सेशन के बाद में, तो वहीं पर अपलोड किया जाएगा और वो आपको पूरा अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो मिलेगा। कुछ समझ नहीं आया तो उसको पॉज करके देख सकते हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेट्स पहला ही चैप्टर हमारा है, टोटल 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स में पहला चैप्टर हमारा सेट्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के बारे में अगर आपने अपने सीनियर से सुना होगा तो सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के बारे में उनका ओपिनियन बहुत अच्छा नहीं है, उनकी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2+2=4 नहीं होता, जिसकी हमें पिछले 10 साल से आदत पड़ी हुई है कि हम करते आ रहे हैं 2+2=4, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो वहां पर a+a=2a नहीं मिलता है, a+a=a ही रह जाता है। अब ये कैसा लॉजिक है कि a+a रह जाए? ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ पर बताए गए हैं, चाहे वो एग्जिस्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन कुछ ऑपरेशंस बनाए गए हैं जिससे कि हमारी रीजनिंग पावर हमारी बहुत इनहेंस होती है। ये प्योर मैथमेटिक्स का पहला ही टॉपिक है जो हमारी रीजनिंग को बढ़ाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को बहुत बढ़ाता है, इनहेंस करता है। यहाँ पर 2+2=4 नहीं आने वाला है, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट को धीरे पॉइंट वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, मार्क्स लेने में बहुत अच्छा है, और उन स्टूडेंट्स के जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए, ब्रैकेट को खोलते वक्त में, माइनस से मल्टीप्लाई करते वक्त में, बिना उनको निकालना नहीं आता है, कैलकुलेट करने में गड़बड़ करते हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है, कुछ टॉपिक्स हमने बनाए हैं, हर चैप्टर में 10-11 टॉपिक बनाए हैं, टोटल 100 टॉपिक्स हमारे पास में होंगे, 100 टॉपिक्स, 100 मार्क्स, 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 100 मार्क्स। स्टूडेंट्स, ये 100 पॉइंट्स, और पहला ही हमारा पॉइंट है 1.1, चैप्टर 1 का 1.1 सेट्स की डेफिनेशन है। सेट्स की डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, सेट्स होता क्या है, दे रखा है, डेफिनेशन को देखना बुक में आपके भी दे रखा है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट है यहाँ पर, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ऑब्जेक्ट से पहले क्या हमारा डिफरेंट, ये सारे डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन इससे पहले देखें जरा, सेट जो हम पढ़ने वाले हैं उससे हम फैमिलियर हैं, उससे हम फैमिलियर हैं, और इसके पहली डेफिनेशन 1.1, ऐसी 1.2, 1.3 हम एक बार समझ लें कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। 100 पॉइंट्स में हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे और पॉइंट वाइज पढ़ते चले आएंगे, हर क्लास के अंदर 2 मिनट के अंदर पुराने वाले को हम रिवाइज करेंगे। आज ये पहला ही चैप्टर है, पहला ही टॉपिक है, पहला लेक्चर है, जब दूसरा लेक्चर आएगा हमारा मंडे को स्टार्ट होगा, और उस लेक्चर से पहले भी हम 2 मिनट के अंदर आज का पूरा जो पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे और पॉइंट वाइज सीखते चले जाएंगे। इसी तरह से नोट्स बनाएंगे, हमें रिवाइज करना आसान रहेगा।
तो देखते हैं, पहला ही टॉपिक हमारा है वन पॉइंट वन सेट्स की डेफिनेशन। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ये डेफिनेशन देखी है, सेट्स आपके लिए नया नहीं है, सेट्स आप पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर देखें जरा कि आपने नेचुरल नंबर्स को पढ़ा था, नंबर्स को पढ़ा था 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। देखिए 1, 2, 3 और केवल तीन ही डॉट आएंगे। तीन डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन। इसमें यहां पर ऐसा नहीं है कि आप डॉट डॉट लगाते चले जाओ, वो उसको बताया कि वो इंडिकेट कर रहा है इनफाइनाइट तक, ऐसा नहीं होता। इनफिनिटी को एंड सो ऑन को डॉट करने का तरीका है हमारा कॉमा लगाने के बाद में वन ये डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर ही पढ़ा है, होल नंबर ही पढ़ा है। होल नंबर में क्या होता था, 0, 1, 2, 3, 4 कॉमा एंड सो ऑन, ये होल नंबर हमने पढ़ा था। अब देखें हम कर क्या रहे हैं, यहां पर हमने ये चीज पढ़ रखी है, लेकिन यहां पर एक नई चीज आई है कि ये नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इन सबको हमने रख दिया एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से नया चीज हमारे पास में क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट आ गया है। सारे नंबर्स को कॉमा लगा के हम पहले भी लिखते थे, अब फिर लिख रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सेट। और इसको नोट कर देते थे, नेचुरल नंबर है तो इसको एन से नोट कर रहे हैं, इसको भी ऐसे बोल दिया, ये भी एक सेट है। और किसका सेट है, ये होल नंबर का सेट है। तो सेट की डेफिनेशन हमारी ये है, देखिए सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि यहां पर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, इस कॉल्ड ए सेट। अगर कुछ एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करें, कुछ आइटम्स जो भी हैं हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करें, लेकिन वो कलेक्शन कैसा हो, वेल डिफाइंड हो। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइन है, कोई भी लिस्ट कोई भी कलेक्शन, तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में आपके साथ के जितने साथी हैं, आपके साथ के सभी स्टूडेंट्स हैं, अगर 40 की आपकी क्लास है 11th, तो 40 क्लास के स्टूडेंट्स के नाम आप लिखिएगा, तो वो जो लिस्ट तैयार होगी वो लिस्ट भी क्या है, एक कलेक्शन है, एक सेट है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि अगर वो लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं तब भी आप वैसी बनाएंगे, और आपके टीचर तैयार कर रहे हैं तब भी वैसी बनाएंगे। हो सकता है टीचर बनाते वक्त में किसी रोल नंबर को आगे पीछे कर दें, तो सेट्स को लिखते वक्त में हम ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते। तो पहली बात सेट्स की हमारी ये है, नंबर वन ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता है। ऑर्डर हम किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में इसको हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने एक सेट ले लिया है, सेट को तो पहले हमने एन से दिखाया, डब्ल्यू से दिखाया, अब ए से दिखा दिया। सेट्स को हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से नोट करते हैं सेट्स को, और ये उसके मेंबर्स हैं। अगर ये 1, 2, 3, 4 अगर हमने 4 नेचुरल नंबर ही लिए हैं, तो इसको इस तरह से लिख दिया है। और इसी को अगर हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे लिख ले कि 4 को पहले लिख ले, फिर 3 लिख ले, फिर 1 लिख ले, और फिर 2 लिख ले, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, दोनों सेट एक ही है, एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सेट यही है वही सेट ये है, दोनों एक ही बात है। ये सेट्स को हम आगे पीछे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं सेट्स के अंदर, ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते, ऑर्डर हमारा कोई मैटर नहीं करता है। जिसको जो पसंद हो आगे पीछे लिख ले, कॉमा लगा के लिखते हैं, ये भी वही सेट है, ये भी वही सेट है। और दूसरी बात क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। स्टूडेंट्स यहां पर रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट का मतलब क्या होगा, अगर ए सेट्स को अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं 1, 2, 2 और 3, 3, 3 और 4, सपोज ऐसे लिख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो गए हैं। हमको लिखना होता है इस सेट्स को, अगर किसी ने गलती से लिख भी दिया ऐसे, 2, 2 को 2 बार लिख दिया, 3 को 3 बार लिख दिया है, तो आप इसको करेक्ट करके 1 रिपीट नहीं करेंगे, 2, 2 दो बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, और 3, 3 बार आया फिर भी आप एक ही बार लिखेंगे, और इसको भी एक ही बार लिखेंगे। तो दो बातें हैं सेट्स के लिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीट नहीं करते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये भी सेट ए ही है, सेट ए है, और ये इसके क्या है, मेंबर्स हैं। मेंबर्स हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, 1 belongs to A। अब एक नया टर्म्स आया है, ये बिलोंग्स टू, ये एक सिंपल है, इस तरह का बनता है, इसका मतलब क्या होता है, belongs to, और इसको अगर क्रॉस कर दिया जाए तो does not belongs to, does not
belongs to. अब आप देख रहे हैं कि वन इस ए सेट्स के अंदर है, तो वन belongs to A और टू इज also belongs to A, फाइव does not belongs to A, फाइव A के अंदर है ही नहीं, फाइव A के अंदर नहीं है तो बोलेंगे फाइव does not belongs to A. ऐसे देख रहे हैं कि सेवन does not belongs to A, सेवन भी इसके अंदर नहीं है. तो A सेट्स को जो belong करता है, A सेट्स को belong करता है उसके अंदर है तो लिखेंगे belongs to A सिंबल, नहीं करता है तो उस सिंबल को हम काट देते हैं. ये हमारा इसी पर बेस दे रखा है क्वेश्चन नंबर वन, लेकिन उससे पहले आता है क्वेश्चन नंबर टू हमारा इसी पर बेस दे रखा है. और क्वेश्चन नंबर वन में बताया, एक बात बताई गई है सेट की डेफिनेशन के ऊपर. सेट की डेफिनेशन को फिर दोबारा से देखिएगा, अगर कोई भी लिस्ट कोई भी कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तो वो लिस्ट या कलेक्शन को बोलते हैं हम सेट. जैसे कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट बनाए या फिर आपके स्कूल में टीचर्स की लिस्ट बनाए. आपके स्कूल में हो सकता है 50 टीचर हो, 50 टीचर्स की लिस्ट आप तैयार कीजिएगा और जो लिस्ट आप तैयार करेंगे वो लिस्ट क्या है, वो भी एक सेट है क्योंकि वो एक कलेक्शन और वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए. वेल डिफाइंड टर्म्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके, ये वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड को समझना है, अगर कोई भी कलेक्शन कोई भी लिस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है, मैंने बनाई तो मेरी लिस्ट अलग बन रही है, आप बना रहे हैं तो आपकी लिस्ट अलग बन रही है, अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है तो वो लिस्ट वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है. सेट हमारा क्या होता है, कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो. एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट को लिखा है क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट अगर होंगे जैसे 3333 बाय उसको एक ही बार लिखते हैं इसलिए हम बोला जाता है बार बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट. सेट की सिंपल सी डेफिनेशन है और सेट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से. अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर वन आपका इसी पर बेस्ड है. आपके पास में अगर बुक है तो बुक को निकालिएगा और उसका क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा कि क्या है. यही बात पूछी जा रही है कि सेट कुछ कलेक्शन वहां दिए गए हैं और आपको बताना है वो सेट है या नहीं है. बुक सभी लोग अपनी बुक निकालें, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 आज हम इसी को खत्म करेंगे 1.1 को. इस वन देखें अपनी बुक ले लें, मैं भी बुक ले लेता हूं 11th की. स्टूडेंट देखिए आपने बुक खोल ली है और बुक खोल के देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा सेट्स होता क्या है और यहाँ पर जो वेल डिफाइंड टर्म्स हम इतना जोर दे रहे हैं उसका मतलब क्या है. इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लोर करने से पहले देखिएगा कि अगर आप एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तो वो लिस्ट जो है वो क्या है, वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड है तो वो सेट है. स्टूडेंट की लिस्ट को तैयार कर रहे हैं, अपने क्लास के बच्चों के नाम लिख रहे हैं तो वो लिस्ट कैसी है, सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है. ऐसे अगर टीचर्स की लिस्ट तैयार करनी हो तो टीचर्स की लिस्ट अगर तैयार करेंगे तो वो भी एक सेट है, चाहे आप तैयार करें या आपके टीचर तैयार करें या आपके प्रिंसिपल तैयार करें. लेकिन सेट कौन से नहीं है, सेट वो नहीं है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. अगर आपसे ये कहा जाए कि अच्छे टीचर्स की लिस्ट बनानी है, आपकी क्लास में आपके स्कूल में जो पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए, तो अगर आपको बोला जाएगा तो हो सकता है उसमें मिस्टर एक्स का नाम आए, मिस्टर वाई का नाम आए और लिस्ट आपकी खत्म हो जाए और बाकी टीचर्स का नाम ही ना आए. और आपका फ्रेंड्स को बोला जाता है तो उसको मिस्टर एक्स पसंद ही नहीं है, हो सकता है वो मिस्टर भाई केवल एक ही नाम दे, और हो सकता है कि प्रिंसिपल अगर लिस्ट बनाए तो किसी टीचर का नाम ना दे, उसको कोई पसंद नहीं है, तो सबकी लिस्ट अलग अलग बन रही है. तो ये जो अच्छे लोगों का कलेक्शन जो है, अच्छे टीचर्स का कलेक्शन है, ये टर्म्स बड़ा बेग है. गुड टीचर्स क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. कोई स्टूडेंट अलग तरह अपनी लिस्ट बना रहा है और कोई स्टूडेंट दूसरी लिस्ट बना रहा है, अगर ये लिस्ट अलग बनती है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. कौन सा टर्म वेल डिफाइंड नहीं है, गुड टीचर्स का कोई स्केल नहीं है जिस स्केल पर हम चेक करें कि भाई ये टीचर्स अच्छे हैं, इनको इस सेट में डाल दिया जाए. ठीक है स्टूडेंट, इस बात को अब हम और समझते हैं आपके बुक के एग्जाम्पल से. आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नाम का कलेक्शन पूछा जा रहा है कि ये जो कलेक्शन है, ये जो लिस्ट आप तैयार करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, हमने एज्यूम कर लिया इस सेट्स का नाम क्या है, ए है, और ए सेट में कौन से आते हैं, मंथ्स के नाम आते हैं.
मंथ्स के नाम कौन से, जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, बिगनिंग विद द लेटर जे, जैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे स्टार्ट होते हैं, तो हो सकता है कि मैं स्टार्ट करूं जून, जुलाई और उसके बाद में जनवरी, और कर सकता हूं क्योंकि ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, हमने देखा था ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, रिपीट हम करते नहीं है, दो बात होती है सेट्स के अंदर, आप लिख सकते हैं जनवरी जून और जुलाई, ऑर्डर भी लिख सकते हैं इसको। और हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का बर्थडे जुलाई में हो तो जुलाई से पहले प्रीफ्रेंस दे, जुलाई से स्टार्ट करे, ऐसा वो कर सकता है। लेकिन जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नाम जो है वो ये तीन ही है। अब इसको मैं भी तैयार करूंगा तो भी ऐसे बनेगा, और आप तैयार करेंगे तब भी ऐसे बनेगा। ये जो लिस्ट तैयार की जा रही है, ये जो कलेक्शन है, ये मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा आपके लिए है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ये हमारा क्या है, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें केवल हल्का सा कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चंस को लिखना है, यहां कोई भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं आने वाली है। मैंने शुरू में बताया था कि अगर हमारा कैलकुलेशन आपकी वीक है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन करते चले आइए। इसमें ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत सारे स्टूडेंट आरटी से शुरू कर रहे हो और समझते हो कि आरटी बहुत अच्छी बुक है, अच्छी बुक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रखे हैं। स्टूडेंट बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन में नहीं उलझना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, हम यहाँ बात करेंगे 100 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो पॉइंट्स हम बोल रहे हैं, और ये 100 का मतलब 100 कॉन्सेप्ट्स हैं। अब कॉन्सेप्ट आपको एक क्लियर है तो क्वेश्चंस कितने भी आते चले जाएंगे, आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आरडी के हो या आरएस के हो या फिर और एनसीईआरटी एग्जामिनर या एनसीईआरटी के हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस को आप शेयर कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस को शेयर कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको दुखी कर रहे हैं हाँ कमेंट्स में लिखिएगा, उन क्वेश्चंस को हम आने वाले वीडियोस में लेंगे। और ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा है हमारा, इसी वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है ऑफलाइन मोड में भी, और इसी चैनल पर KBSRO दिल्ली लाइव 1 करके आपका यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर आप जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट को देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको ये वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा और अच्छे से उसको समझिएगा। आज के सेशन खत्म होने के बाद में जाके देखिएगा और आपको सारी बात समझ जाएगी, और अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, क्वेश्चन जो भी आपको आरडी आरएस के या एग्जाम के दिक्कत करते हैं उन क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा, हम उन क्वेश्चन को लाइव क्लास के अंदर यहाँ लेंगे। अब देखिए जरा, तो ये जनवरी जून और जुलाई तीन ही नाम है, तीन ही जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नाम है, कोई बनाएगा तो यही बनेगा, पर्सन टू पर्सन ये लिस्ट वेरी नहीं कर रही है, लिस्ट इंटैक्ट रहती है, इसलिए क्या है ये सेट है, क्योंकि कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इन तीन मंथ्स के नाम का कलेक्शन वेल डिफाइंड है, ये बदलता नहीं है, मैं बनाऊंगा तब भी ऐसे बनेगा, आप बनाएंगे तब भी ऐसे बनेगा, तो ये एक सेट है। आगे देखें, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का नाम अगर आएगा तो हो सकता है कि अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें मुंशी प्रेमचंद का नाम रखूंगा और अमृता प्रीतम का नाम रखूंगा, और अगर आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो आप हो सकता है चेतन भगत का नाम लिखें और भी जो आपको पसंद है उसके नाम लिखेंगे, जो मेरी अमृता प्रीतम का नाम मेरी लिस्ट में था वो आपकी लिस्ट में नहीं होगा। तो सब अपनी अपनी लिस्ट बना रहे हैं, तो ये लिस्ट कैसी है, सब अपनी अपनी बना रहे हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है लिस्ट, ये लिस्ट क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, और सेकेंड पार्ट, दिस लिस्ट इज नॉट, this list is not well defined, so it is not a set, क्यों, क्योंकि ये person to person vary करती है, it varies person to person, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन अगर कोई लिस्ट वेरी कर रही है, मैं बना रहा हूं मेरी लिस्ट अलग है आपकी लिस्ट अलग है, तो ये कॉमन बात नहीं हुई। ये जो हमारा मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बोलना बड़ा बेग है, कोई स्केल नहीं है जिसके स्केल पर हम बताएं कि भाई ये टैलेंटेड राइटर्स होते हैं इनको रख दिया जाए, जो जिसको पसंद है उसकी लिस्ट बनाएगा, तो ये क्या है, इट इज नॉट ए सेट, क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड को देखिए जरा, फटाफट जल्दी से थर्ड को देखिएगा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड,
अब वर्ल्ड के जो क्रिकेट बैट्समैन हैं, 11 क्रिकेट बैट्समैन की टीम आपको तैयार करनी है, आप तैयार करेंगे तो हो सकता है उसमें विराट कोहली का नाम आए और आप अपने पसंदीदा जो जो प्लेयर्स हैं उनके नाम उसमें रखेंगे, आपकी लिस्ट अलग बनेगी। लेकिन मैं लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें राहुल द्रविड़ का नाम होगा, सचिन तेंदुलकर का नाम होगा, और हो सकता है आपकी लिस्ट में राहुल द्रविड़ का नाम ना हो, रॉबिन सिंह का नाम ना हो, मेरी लिस्ट में तो होगा। तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। तो ये बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, गुड टीचर्स, ये टर्म्स कैसे हैं? वेग हैं, वेग हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है ये टर्म्स, इसलिए इस तरह की लिस्ट है नॉट डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। तो तीसरा वाला भी हमारा क्या है, इज नॉट ए सेट। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, क्या इज नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं है। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या देखा है आपको, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है। आपकी क्लास के अंदर अगर आपकी क्लास आप व्हाट्सएप पे तैयार हो गई है, उसके अंदर अगर हमारे 40 स्टूडेंट्स में से 21 अगर बॉयज हैं तो 21 बॉयज हैं, उनकी लिस्ट तैयार होगी, कोई भी बनाएगा वो लिस्ट वैसी बनेगी। हो सकता है कोई नाम आगे पीछे हो जाए, वो तो हमने पहले देखा था, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे लिख सकते हैं, रिपीट करते नहीं है। अगर 21 स्टूडेंट है तो 21 ही है आपकी क्लास में, आप चाहे वो लिस्ट प्रिंसिपल तैयार करें, आपके टीचर तैयार करें या आप ही तैयार करें, सबकी लिस्ट में वो 21 के 21 नाम आएंगे। तो ये लिस्ट कैसी है, वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, तो एक सेट है। आगे देखिए फटाफट जल्दी से, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर सारे सारे लेस देन 100, लेस देन 100 का मतलब क्या हुआ आपका, ये 98, 99, तो 1 से लेकर 99 नंबर हमारे पास में है, आप बनाएंगे तो ये बनेगा। ये लिस्ट कैसी है, वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जो वेल डिफाइंड है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, सब लोग बनाए तो सब जैसी, सभी लोगों की लिस्ट एक जैसी बने, सेम बने। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, 35 लिखे हैं, आप उसको गूगल कीजिएगा पता लग जाएगा कि मैंने सच बोला है झूठ बोला है, 35 भी निकलते हैं तो 36 निकलेंगे, 36 निकलेंगे तो 36 ही हैं। उन 36 के आप टेबल बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, और वो लिस्ट क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि 36 ही लिखे हैं उन्होंने, तो उनकी लिस्ट वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड अगर कोई लिस्ट है तो क्या है, सेट है। तो ये इसका फर्स्ट का सिक्स पार्ट भी क्या है, इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स आपको क्लियर है, इवन लिस्ट आप बनाएंगे अप टू इनफिनिटी तक जाएगी, लेकिन सब बनाएंगे सबकी जाएगी, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कितने 56 क्वेश्चन है, तो 56 क्वेश्चन है तो 56 क्वेश्चन फिक्स है, तो ये भी हमारा क्या है, सब बनाएंगे तो ये उसको काउंट करके बनाएंगे कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, ये भी वेल डिफाइंड है, तो इसका 8 पार्ट भी क्या है, इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर मोस्ट डेंजरस एनिमल की लिस्ट आपको तैयार करनी है, और वो लिस्ट कैसी होगी, वो लिस्ट हमें बतानी है कि वो लिस्ट जो है वो लिस्ट क्या है, सेट है नहीं। अगर लिस्ट वेल डिफाइंड है तो सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है तो वेल डिफाइंड नहीं है, सेट नहीं है। अगर पर्सन टू पर्सन लिस्ट एक जैसी बनती है तो वो वेल डिफाइंड है, वो सेट है। तो हो सकता है कि आप अगर लिस्ट तैयार कर रहे हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो हो सकता है कि उसके अंदर किसी की लिस्ट में एलिफेंट का नाम आए, किसी की लिस्ट में टाइगर का नाम आए, और किसी की लिस्ट में कॉकरोच का नाम भी आ जाए, उसको कॉकरोच भी, छिपकली भी मोस्ट डेंजरस लगते हो, और आपकी लिस्ट में छिपकली का नाम नहीं है, कॉकरोच का नाम नहीं है, लेकिन कईयों की लिस्ट में ये नाम होगा। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है लिस्ट, इसलिए लिस्ट क्या है, नॉट डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट ए सेट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ, हम यहां कर सकते हैं, जगह है हमारे पास में, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ चुके हैं, एक ए सेट दिया हुआ है, ए सेट में नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये ए सेट है, ए सेट में हमारे पास में 6 मेंबर्स हैं, और हमको क्या बताना है, ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल्स ये लिखने हैं आपको। ये फर्स्ट पार्ट क्या दिखा है आपको, यहाँ पर 5 और यहाँ लिखा हुआ है ए, तो 5 आपको दिखाई दे रहा है, 5 आपको दिखाई दे रहा है, इस सेट्स के अंदर है 5, ए सेट्स के अंदर है, ए सेट्स के अंदर है तो क्या आएगा, 5 बिलोंग्स टू का सिंबल इस तरह होता है, क्या बोलते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकंड देखिए क्या पूछा गया, सेकंड में 8, अब क्या दिया हुआ आपको, ये 8 और फिल इन द ब्लैंक्स, आप देखिए क्या 8 इस सेट ए के अंदर है,
ए सेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है, 8 नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या लिखेंगे, 8 इससे संबंध नहीं रखता, 8 does not belongs to set A, 8 does not belongs to set A, क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे इसको, कैसे रीड करते हैं इस स्टेटमेंट को, 8 does not belongs to set A, इस तरह से, ऐसे आपको बताना है, बहुत आसान है स्टूडेंट, सेट थ्योरी बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट सारे के सारे इसको देखते बिदक जाते हैं, भाग जाते हैं कि कहीं, क्योंकि हम कभी भी 2+2=4 कैलकुलेशन जो हमने आज तक पढ़ी है 10 साल से, ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है ये मैथ्स नहीं है, कुछ और ही कहानी से गुजरा जा रही है, लेकिन ये कहानी से बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये पहला प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसके बाद लेसन फंक्शन आता है और पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी एलजेब्रा हमारा चलता है, मॉडल एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा। आगे देखिए थर्ड में क्या देखा है, 0 और ए दिया हुआ है, तो 0 भी इसके अंदर नहीं है, 0 भी नहीं है तो क्या आएगा आपका सिंबल, belongs to का सिंबल लगाएंगे और कैंसिल कर देंगे इसको, कैसे रीड करेंगे, 0 does not belongs to A, अब देखिए जरा इसको, फोर्थ पार्ट में क्या देखा है आपको, 4 ही दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर से पूछा जा रहा है कि 4 इस सेट A के अंदर है, 4 तो है आपका, 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 4 belongs to, तो belongs to का सिंबल आएगा, इस तरह का सिंबल बनाएंगे आप ये, 4 belongs to A, ऐसे फिफ्थ क्या है, 2 belongs to A, और लास्ट में देखा है 10 तो कहीं भी नहीं है, 10 कहीं है तो क्या है, 10 does not belongs to A, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले हमें इसका दूसरे पॉइंट नंबर 1 सेट्स की डेफिनेशन थी, जिससे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और वो पॉइंट नंबर 2 है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन सेट्स की जरूरत क्यों पड़ी है, सोचो जरा सेट्स को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट्स को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या जरूरत है सेट्स को, तो हम लिख रहे हैं ऐसे, क्या जरूरत है दो दो तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट करने की, इस पर सोचिए जरा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट देखिए सोच के देखेंगे तो पता लगेगा इसका आंसर भी कि सेट्स को हम दो तरह से कैसे कर रहे हैं। पहला हमारा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबलर या रोस्टर फॉर्म, जो हम अभी तक सेट लिखे थे सारे सेट्स हमारे रोस्टर फॉर्म में थे, ये लिखा हुआ है, ये भी किसमें लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक ए सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स एलिमेंट्स है, सिक्स मेंबर्स है, और सिक्स मेंबर्स हमारे आते हैं इसके अंदर, हमने उसकी लिस्ट बनाई, कॉमा लगा के लिख दिया, और अगर इस तरह से लिख दिया था किसी सेट्स को, तो सेट्स को लिखने के इस तरीके को बोलते हैं हम कि हमने सेट्स को लिखा है रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबलर फॉर्म में। लेकिन अगर हमें इस तरह से लिखने में दिक्कत आती है, कई बार आती है, आपने तैयार किया है अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का नेम की लिस्ट, और स्टूडेंट के नेम की लिस्ट देखेंगे तो आप लिखेंगे 40 स्टूडेंट्स, 40 की 40 आपको लिखने पड़ेंगे, एक बहुत लंबी आएगी लिस्ट, तो उस इतनी लंबी लिस्ट आएगी तो उसमें बहुत टाइम लगता है, उस टाइम को बचाने के लिए हमने सेट्स को लिखने का दूसरा तरीका निकाला है। तो दो तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ये कौन से दो तरीके हैं। स्टूडेंट देखें 1.2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो देर आर टू वे टू रिप्रेजेंट एनी सेट्स। किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो आपका तरीका क्या है, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, और सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड, दो तरीके हैं। अब तो उसके नाम को देखें, सेट बिल्डर फॉर्म नाम कैसे आया होगा, आपके सामने एग्जाम्पल है। एक सेट को हमने लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ था, ए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर मीन जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हो आपको, एज इट इज लिस्ट बना के रख दिया जाए। लेकिन अगर कई बार हमें लिस्ट को बनाने में दिक्कत आती है, जैसे क्लास के स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट बनानी है तो बहुत टाइम लगेगा उसको बनाने में, आप 5 मिनट लगाएंगे सारे बच्चों के नाम लिखने में, और अगर उसको एक नई प्रॉपर्टी से दे देना तो बड़ा आसान हो जाता है, जिससे कि सेंस वही निकल के आया कि हाँ इस सेट्स के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास के सारे बच्चे के सारे स्टूडेंट उस सेट्स को बिलोंग करते हैं।
तो अगर ए सेट दे रखा है तो उसको हमने कैसे लिखा है, रोस्टर फॉर्म में। इसी सेट्स को अगर हम ऐसे लिख दें कि है क्या ये, एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दें, यहां वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स मेंबर्स यहां पर है, टोटल सिक्स मेंबर्स है, इस सारे सारे मेंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर है, सिक्स नेचुरल नंबर है। अगर यहां पर हम ये लिखते हैं कि फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर है तो बात हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन इस बात को कैसे दिखाएंगे, इसी को अगर हम ए नाम दे दें और इसको लिखते हैं एक्स सच दैट, स्टूडेंट ध्यान से देखो ये कैसे लिखा है, दो डॉट है यहां पर, दो डॉट, दो डॉट का मतलब क्या है, क्या है आपका ये कॉलम, ये आपका क्या है सच दैट एक्स ऐसा है। हमें इन सभी नंबर्स को वन टू थ्री फोर को आरबिट्री फॉर्म में लिखा है, एक्स की फॉर्म में लिखा है। अब एक्स को डिफाइन करना है कि इसके अंदर क्या आता है, एक्स आता है सेट्स के अंदर, लेकिन एक्स है क्या, एक्स एक नेचुरल नंबर है, फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर है, सिक्स और सिक्स से छोटे नेचुरल नंबर है, सेवन से छोटे नेचुरल नंबर है, पर आप लिख दीजिए। जब इस तरह से लिखने को मिलेगा मौका लैंग्वेज में लिखना है तो आपके पास बहुत चॉइस है, आप कैसे लिख सकते हैं कि एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन सेवन, सेवन से लेस देन एक नेचुरल नंबर है। और भी तरीके से लिख सकते हैं इसको कि एक्स इज दैट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू सिक्स, सिक्स और सिक्स के इक्वल है और सिक्स से छोटे हैं। और बहुत फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये सब क्या है आपके, ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को लिखा है। क्वेश्चंस आपका ये दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में दे रखे होंगे आपको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में दे रखे होंगे आपको इस फॉर्म में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट वही है, उसी सेट्स को लिखने के दो तरीके हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट को ऐसे बनाते हैं या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है तो लिखते हैं यहां पर एक्स बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू वाली बात हमारे समझ में आई थी, हमने x belongs to n लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी लाइन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, x is a natural number, x belongs to n, x का एक natural number है। लेकिन natural number अगर लिखना लिखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, one, x क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड सो निकल जाएंगे आगे तक, यहां तो केवल 6 तक था, तो एक रिस्ट्रिक्शन और लगानी पड़ेगी, x is less than 7, 7 से छोटा नेचुरल नंबर है, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, लेकिन एक प्रॉपर्टी लगा के लिखा है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये भी क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है। देखिएगा अपनी बुक को खोलिएगा और क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखे आपको स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ये लिखा हुआ है, ए सेट्स के अंदर क्या आता है, एक्स is an integer and -3 is less than x is less than 7, ऐसा लिखा हुआ है। x कैसा है, एक इंटीजर है, अगर इतनी बात होती है तो इंटीजर तो हम जानते हैं, नंबर लाइन पर बनाए थे हमने बहुत सारे, 6 और 7 से करते आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन क्या लगा दी है, ऐसे इंटीजर हैं जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। -3 those integers lies between -3 and 7, -3 और 7 के बीच में जो इंटीजर आते हैं उन इंटीजर्स का होंगे लिखना है यहाँ पर, तो कौन से इंटीजर आते हैं और उनका लिख दीजिए, हमें लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म, हम तो पूछा ही जा रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, कैसे लिख देंगे, अभी इंटीजर लिखने हैं -3 से बड़े, -3 से बड़ा कौन सा होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारे नंबर इसके अंदर आएंगे, तो उसी ये सेट बटर फॉर्म में था और ये हमारा किसमें लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में, क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आएंगे। सेट बटर में दिया जाएगा रोस्टर पूछ लिया जाएगा, रोस्टर में दिया जाएगा तो सेट बटर पूछ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके ये दिए गए हैं, ऐसे सेकंड दिया हुआ आपको, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं आपके। सेकंड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स कैसा है नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, अरे 1 2 3 4 5, तो लिख दीजिए सीधा 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर है। आगे देखिए थर्ड, इसी का थर्ड, इसका नाम लिख सी, x इज ए टू डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ये स्टूडेंट आपको बताना है। आप सोच के बताइएगा x क्या है, x एक टू डिजिट का नंबर है,
और उसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मैं देखता हूं कमेंट्स में आप लिखिएगा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टू डिजिट के नंबर लिखने हैं, ऐसे नंबर जिसका डिजिट का सम 8 है। स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, टू डिजिट के नंबर आपको बताने हैं जिनके डिजिट का सम 8 है। ऐसे डिजिट्स लेनी है आपको, ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी दोनों डिजिट्स के, टू डिजिट के नंबर लेने हैं जिनकी दोनों डिजिट्स का सम क्या हो, 8 हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्लू 17, वन टू डिजिट का है 17, जिसमें 1 और 7 दोनों का डिजिट का सम कितना आता है, 8 आता है। ऐसे आगे बढ़ना है, पहला डिजिट आपका 17 हो जाएगा टू डिजिट का, उसके बाद कौन सा आएगा सोचिए और आंसर दीजिएगा। देखिए किसने आंसर दिया, वेरी गुड गौतम पांडे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है 17, 26, 35, 44, बिल्कुल करेक्ट है 53, 62 एंड अरे 71 तो भूल गया गौतम पांडे, 71 नहीं होता, हार्दिक लिख रहा है, करेक्ट लिख रहा है हार्दिक ने, 1 एंड 7, स्टूडेंट 1 और 7 नहीं होगा 44, वेरी गुड पायल 35 भी है और 53 भी है पायल, वेरी गुड आपके रेस्पॉन्स आ रहे हैं, आपके समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि क्या लिखना है आपको, टू डिजिट के नंबर 17 आप ही ने बताया 17, देन 26, फिर 35, 44, 53, फिर 62, 71 और 80, टू डिजिट के सारे नंबर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट डी, स्टूडेंट डी क्या कह रहा है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, स्टूडेंट x क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का फैक्टर है, डिवाइजर है, जो 60 को डिवाइड कर देता है, वो नंबर बताना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। तो कौन से नंबर होंगे, अगेन एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है, 60 के डिवाइजर और प्राइम नंबर भी हो, जल्दी से आंसर दीजिएगा। स्टूडेंट्स 60 के डिवाइजर, स्टूडेंट मैं स्क्रीन पर नहीं हूं लेकिन आपको देख रहा हूं, आपके चैट को देख रहा हूं मैं, हार्दिक मजा आ रहा है आपको, स्टूडेंट वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ये टॉपिक को हमने, गुड गौतम 2, 3, 5 वेरी गुड पायल 2 आगे बढ़ो पायल, टू थ्री फाइव और सिक्सटी के डिवाइजर, ऐसे डिवाइजर जो प्राइम नंबर्स हैं, स्टूडेंट अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, स्टूडेंट 2, 3, 5 और कोई प्राइम नंबर, और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जो 60 का डिवाइजर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, उसको चैट में बताइएगा कि प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, और जिसके दो से ज्यादा होते हैं वो, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर, जिनके दो से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर, और जिसके और वन एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि वन के एक ही फैक्टर होता है, वन अकेला ऐसा नंबर है जिसके एक ही फैक्टर होता है, इसलिए उनको ना प्राइम नंबर में रखा गया ना कंपोजिट में। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, प्राइम जिसके दो फैक्टर हो। और जल्दी से बताइएगा, पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 11 है, ऐसे करते हुए 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, और 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कितने आते हैं, सोचिएगा और कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी देखा है, फिफ्थ पार्ट इसका ये दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट ई,
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी हमारे लेटर्स आ रहे हैं सबको लिखना है आपको। तो टी आ रहा है, फिर आई आर है, फिर आई है, फिर जी है, ओ है, एन है, एन के बाद फिर से स्टूडेंट देखे ओ फिर से आ रहा है। और सेट्स की डेफिनेशन ध्यान रखना है, दो बातों को बताया था सेट्स को लिखते वक्त में, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नहीं होता यहाँ पर, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे ले सकते हैं किसी को भी। तो अगर ओ आपका दोबारा आ रहा है तो दोबारा नहीं लिखना है ओ को, ओ को केवल हम पहले लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं आएगा ओ भी नहीं आएगा, एम नहीं आया तो एम भी लिख सकते हैं, ई हमारा नहीं आया ई लिख सकते हैं, टी आ चुका है आपका, आर आ चुका है, और वाई नहीं आया तो वाई भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही लेटर्स यहां पर आएंगे, जबकि ट्रिग्नोमेट्री में तो ज्यादा थे काफी, 4 और फिर 4 और 4 12 थे, 12 में से केवल 9 यहां पर आने हैं, 3 लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे थे। रिपीटेशन सेट्स में नहीं होता है, ध्यान रखना सेट्स क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जब मैं बोलता हूं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर हो जाता है कि उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, और उन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट्स की बात की, सेट्स को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, पहला हमारा क्या है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, आज हम यही पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, गला बहुत खराब है स्टूडेंट्स आज, अभी एक 12th की क्लास हुई थी उसके बाद ये क्लास है, और जैसे ज्यादा बोला जाता है तो गला गड़बड़ करता है, चिंता मत करिए कोरोना नहीं है, और कोरोना से आप भी बचकर रहिएगा स्टूडेंट्स, कोरोना से बचकर रहिएगा, इसका केवल एक ही इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग, और उसी को हम ध्यान में रखते हुए आपको घर से ही पढ़ा रहे हैं, आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज सभी को पहुंच गया है, पीएम साहब का मैसेज सभी को पहुंचा है, बच्चों घर में रहना है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जो काम आपने आज तक नहीं किया है उस काम को करिएगा, और घर में रहिएगा, नई नई चीजों को सीखेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। पहले हमें क्वेश्चन दे रखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको रोस्टर में करना था, अब उसका उल्टा दे रखा है, रोस्टर में दिया हुआ है सेट बिल्डर में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये क्या लिखा है, सपोज ये ए सेट है और इसके अंदर क्या आता है 3 है 6 है 9 है और 12 है, ये सेट है और 3 6 9 और 12 रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म जहां एक प्रॉपर्टी दी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, एक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, पहले क्या लिखते हैं एक्स, सच दैट एक्स क्या है इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या है ये 3 6 9 12 3 6 9 12, क्या है सब 3 के मल्टीपल्स है, तो लिख दीजिए 3 के मल्टीपल, एक्स क्या है एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल क्या होता है 3 3 3 1 3 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 भी होता है, 3 का मल्टीपल लिखा है तो बात अधूरी है, अगर आप इतना लिखकर छोड़ देंगे तो यहां पर 15 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है 21 भी, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि x क्या है मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन एंड इक्वल 12 से छोटा हमारा एक पॉजिटिव, 12 से छोटा एक पॉजिटिव, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 12 से छोटा 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इसको b नाम दे दिया, यह है 2 4 8 16 32, बस इतना ही दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो ये कैसे देखा, ये 2 है 4 है, ये सारे ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर नहीं है सारे इवन नंबर हैं, और क्या दिखाई दे रहा है 2 है, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 का मल्टीपल ये, लेकिन 2 का मल्टीपल 6 नहीं है, और क्या दिखाई है आपको, इसको ढंग से ऑब्जर्व कीजिएगा आपको आंसर पता लग जाएगा। क्या है स्टूडेंट्स ये, स्टूडेंट्स क्या है ये, कमेंट्स कीजिएगा फटाफट, ऑब्जर्व कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बढ़िया आंसर दिया है गौतम पांडे, गौतम पांडे ने आंसर बहुत अच्छा दिया है,
गौतम पांडे ने इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है उससे ज्यादा अच्छा आंसर दिया है। उन्होंने लिखा है कि x such that और x is equal to 3n, ये बहुत सुंदर है। तो जब हम लैंग्वेज में आ जाते हैं, लैंग्वेज में हमें आंसर देना होता है तो बहुत वैरायटी मिलती है। मैथमेटिकल फॉर्म में तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जो अगर लैंग्वेज का यूज करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो लैंग्वेज हमें एक्सप्रेशन देती है। और किसी तरह से एक्सप्रेस कीजिए, हमने यहां लिख दिया कि 3n, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और n कैसा है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो 1 है n और 4 से छोटा है। तो 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 3, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6, 6 से 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12। ये भी एक बच्चे ने आंसर दिया। इसका आंसर दीजिए बराबर क्या है, 2, 4, 8, 16 और 32। देखें कितने बच्चों ने आंसर दिया है, 2 की पावर्स है। हाँ बिल्कुल सही आशा सिंह, 2 की पावर्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स, अच्छा लगा आप लोग अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस तरह से इसको बुक में करिएगा, अपनी कॉपी बनाइएगा और सारे क्वेश्चंस को करिएगा। आप बड़े आराम से इस पूरी एक्सरसाइज को 15 से 20 मिनट में कर लेंगे, आप समझ रहे हैं जरूर इसको 45 मिनट्स में। और हमारा टाइम होने वाला है स्टूडेंट, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। इसको हम फटाफट अभी 3 से 4 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म करते हैं। तो ये 2 की पावर्स है, x such that x is equal to 2 की पावर्स है, 2 to the power है, 2 की पावर 1 रखेंगे दिया आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा। और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। कब तक है ये, कहां तक जाएगा, 2 की पावर 5 32 जाएगा, तो n की वैल्यू 5 तक हो सकती है, n इज लेस देन इक्वल 5। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके, अगला क्या है, 525 125, 5 के पावर्स हैं ये, 246 इवन नंबर्स हैं, और 149 ये क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था। ऐसे ही करना है, 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में मैच करना है, आपको बताना है कि 1 2 3 6 फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर है 1 2 3 और 6, तो 1 गोज टू सी। सेकंड में क्या देखा, 2 3 2 3 क्या आपके प्राइम नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर है डिवाइजर ऑफ 6 है, तो सेकंड गोज टू ए। और मैथमेटिक्स तो साफ दिखाई दे रहा है, फोर्थ वाला आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, और बड़ा अच्छा लगा स्टूडेंट्स आपका रेस्पॉन्स देखकर। इस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है तो पढ़ाने का मन करता है। यहाँ वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है, जिसको हम अगली क्लास में इंप्रूव कर लेंगे, जरूर इंप्रूव करेंगे। और आपको अच्छी अगर वीडियो क्वालिटी में अगर ये वीडियो चाहिए तो अभी जाइएगा इसी चैनल पर, जाइएगा यूट्यूब चैनल है KVS RO दिल्ली लाइव का, लाइव 1 के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसके लिंक आपको स्क्रीन में भेजे गए हैं। उस लिंक पर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यही पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, कंप्लीट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर वहां दिया हुआ है, बिल्कुल यही दिया हुआ है, एक बार देखिएगा अगर कोई बात डाउट रह गई है तो। और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करिएगा सारे, पूरे 6 क्वेश्चंस हैं, आप 15 मिनट में पूरा कर लेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके इंटरेक्शन को देखते हुए थैंक यू स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो इसका ही सेकंड लेक्चर, हमारी सेकंड एक्सरसाइज शुरू होगी मंडे को, और तब मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।